हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ साड़ी के बिजनेस के बारे में। साड़ी के बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी और कहाँ से हम साड़ी खरीदें, ताकि हम एक होता है कहीं से माल उठाए, वो माल हमारा पास सही नहीं आया, मेरे पैसे फंस जाते हैं, उससे क्या होता है मेरा बिजनेस ठप हो जाता। मान लो हमारे पास 50,000 रुपये पूंजी, हमने कोई जो आइटम नहीं चलने का वो आइटम ले गए तो चलेगा नहीं। मैं इस वीडियो में आपको पूरी तरह जानकारी दूंगा कहाँ से माल खरीदनी चाहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, साड़ी का बिजनेस में कम से कम 50,000 रुपये आपके पास पूंजी होनी चाहिए। 50,000 रुपये रहेगा तो वो ठीक ठाक सा चलेगा, क्योंकि आप अपने गांव में ले जाके आराम से सेल कर सकते हो। इसमें नो डाउट प्रॉफिटेबल बिजनेस है, ये नहीं कि आप 50,000 का ले जाओगे आपके पैसे डूब जाएंगे, ऐसा भी नहीं। 50 का 70 आएगा, 20,000 रुपये प्रॉफिट होगी। आपको अगर सूरत से काम करना है ना, तो सूरत में सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। जब भी सूरत आप आते हो ना, तो सबसे पहले आपको ब्रोकर से सावधान, क्योंकि वहाँ के ब्रोकर क्या होते हैं, अगर आप किसी ब्रोकर ने आपको ले गया किसी के शॉप पे, तो उसका कमीशन ऐड हो जाता है। और रिंग रोड पे काफ़ी ब्रोकर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा, वो घेर लेंगे। ऐसा लगेगा कोई गुंडा घेरता है ना, आपको नहीं लेगा ऐसा लगेगा। तो आप सूरत आते हो, आराम से स्टेशन आओ, स्टेशन आके अगर आप नाइट में आ रहे हो, रूम लेना है डोमेस्टिक रूम, डोमेस्टिक आपको 400 रुपये में अच्छा बेड मिल जाएगा। वहाँ पे रुको, नहाओ धो, सुबह वहाँ से निकलो। आप रेलवे स्टेशन के बाएं तरफ जो रोड जाती है, स्टेशन से निकलो बाएं तरफ जो रोड जाती है, सीधा चले जाओ, आगे जाके एक कट है NH के पास, वहाँ से लेफ्ट हो जाओ। लेफ्ट हो जाओगे, थोड़ी देर चलोगे आप, 10 मिनट, 10 से 15 मिनट लगेगा आपको अजमेरा स्टेशन जाने में। उसी रोड में बाएं हाथ पे ही है, पहले भारत पेट्रोल पंप आएगा, फिर उसके बाद अजमेरा स्टेशन है। अजमेरा स्टेशन के बगल में ही RBL बैंक है, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे मिलो, कैसे क्या करना नहीं करना वो सारा डिटेल आपको बताएंगे। और आज के डेट में अजमेरा स्टेशन सूरत सूरत में नंबर 1 व्यापारी बन चुका है। उसका सेल भी काफ़ी है, इतनी भीड़ होगी आपको टाइम देना पड़ेगा, ऐसा नहीं आप जाओगे माल ले लिया, नहीं, टाइम लगेगा। और सबसे अच्छी बात वहाँ पे ये है कि आपको समझाया जाएगा सही से। अगर नए बिजनेसमैन हो तो आपको सही से बताया जाता है, ऐसा नहीं कि गए आप जो भी माल आया दे दो रे, दो इसको क्या क्या चाहिए, वो आपको समझाए कैसे बिजनेस करनी चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप उनसे पूछो, वो बताएंगे आपको। अगर उनसे जुड़ के काम करोगे ना, तो आप अच्छे बिजनेसमैन बन जाओगे। आज अगर रिटेल कर रहे हो ना, तो मेरे को लगता है 2 से 3 साल में आप होलसेलर बन जाओगे, होलसेल करना स्टार्ट कर दो। लेकिन बिजनेस करने में क्या है, आपको ना तो उधार लेना है ना उधार सेल करना है, ये दो चीज़ का तो ध्यान रखना आपको, तो ये आपकी गंगा नहीं डूबेगी। नहीं, ऐसा होता है कि आपने यहाँ से नकद लिया, गाँव में गए, उधार बेच दो, ये यार है, वो दोस्त है यार, उसकी ये है, तो वो फिर सक्सेस। गाड़िया बिजनेस चलता ही है, खास करके दुर्गा पूजा में हो गया, आपको रक्षाबंधन में हो गया, अच्छी सेल होती है, और ईद में हो गया, इस समय तो बिकता ही है, और दबा के बिकता है, और हर क्वालिटी की साड़ी मिलेगी आपको। यहाँ पे आने में कोई डर नहीं, आराम से आओ, बिंदास होके, ऐसा डर नहीं माइंड में ये होगा अरे यार जाएंगे क्या हो, कुछ नहीं होगा। आपको यहाँ पे आने के बाद सिर्फ ब्रोकर के चक्कर में नहीं पड़ना, आप आओ स्टेशन से निकलो, सीधा बायां पकड़ लो, बायां लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड आगे जाओ, आगे जाओगे तो ओवरब्रिज दिखेगा, वहां से लेफ्ट हो जाओ, सीधे चले जाओ पेट्रोल पंप में, पहले भारत पेट्रोल पंप, उसी के जस्ट आगे जाओगे ना, लेफ्ट साइड में ही अजमेरा फैशन है, वहाँ पे जाओ आराम से देखो। फिर उस अजमेरा फैशन से भी आगे मार्केट है, जैसे अजमेरा फैशन से सीधे आगे जाओगे ना, मेन रोड सीधी जाती है, तो वो भी बहुत बड़ी मार्केट है, टेक्सटाइल मार्केट, घूम सकते हो आप। अजीत जॉन है, वो भी व्यापारी अच्छे हैं, अजीत जॉन भाई भी, वो भी समझाते हैं, उनसे ही मिल सकते हो आप। अगर एक बार आ गए ना, तो मेरी चैलेंज है, दोबारा आप कहीं भी जाओगे आराम से विजिट करोगे, आपके मन में डाउट नहीं रहेगा, गए फंस गए,
लेकिन आपको दलाल को नहीं बताना कि हम साड़ी प्रपोजल से आए, हमको साड़ी का काम करना, साड़ी का ये कहाँ पे है, फिर तो आप भैया गए काम से, इसलिए गए काम से। जो 20% आपको बचेगा ना, वो 20% कमीशन 10-15% वो ब्रोकर का हो जाएगा, इसलिए उससे बचना है, उसको बताना भी। ऑटो वाले को नहीं बताओ, पता है ऑटो वाले क्या करते हैं यहाँ पे? जब मैं आया था ना तो 50 रुपये लिए थे, 2 किलोमीटर भी नहीं है, ले जाके छोड़ दिया कि यार मेरे पास। अरे यार मैं तो 10 मिनट में आ जाता इधर पैदल। तो ये लोग पूछेंगे कहाँ क्या करना है, मान लेना चलो मैं दिलवाता हूँ, सस्ते में दिलवा लूँ, उसके चक्कर में नहीं पड़ना है आपको। एक बार ये बिजनेस कर लिया ना, दोबारा मेरी चैलेंज है, दूसरा बिजनेस नहीं करोगे। एक बार ये बिजनेस के बारे में जरूर, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे क्या होगा मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और